Hello buddies, welcome back to my another video. In this video, we're gonna talk about 5 key elements of a good video. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो ये 5 एलिमेंट मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैंने बताए हैं। फर्स्ट है स्टेबल फुटेज। अब स्टेबल फुटेज क्यों? क्या आप अपनी वीडियो को हिलता हुआ देखना पसंद करेंगे, या कोई आपकी वीडियो को जो बहुत सारा शेक जिसमें विजिबल हो रहा है तो वो वीडियो क्या अच्छी लगेगी? बिल्कुल भी नहीं। वीडियो जितनी ज़्यादा स्मूथ होती है उतना ही एक प्रोफेशनल फील प्रोवाइड करती है। तो मोस्टली आप अपनी वीडियो को प्रोफेशनल लुक देने के लिए आप स्टेबल शॉट्स का यूज़ करें। आप यूज़ कर सकते हैं ट्राईपॉड्स या फिर गिम्बल का अपनी वीडियो को बहुत ज़्यादा स्टेबल फुटेज प्रोवाइड करने के लिए। लाइटिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी या फिल्म मेकिंग, बिकॉज बिना लाइट के ये सब पॉसिबल ही नहीं है। अब लाइट कैसी भी हो, चाहे आप नेचुरल लाइट का यूज़ करो या आर्टिफिशियल लाइट का, बट लाइट आपके फ्रेम में एक वैल्यू प्रोवाइड करती है। लाइटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बिकॉज नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट दोनों को अपने हिसाब से कंट्रोल करना या उनके हिसाब से अपने फ्रेम को सेट करना इतना ईजी नहीं होता है, और आपको इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऑडियो, अब बिगनर लेवल पे की जाने वाली गलतियों में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम ऑडियो को वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते जो हमें करनी चाहिए, बिकॉज हमें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं होता कि ऑडियो कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वीडियो में ऑडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो है और आपके विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी है, आपने अच्छे अच्छे इफेक्ट्स लगा रखे हैं, बट आपकी वीडियो में ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल डाउन है, आपकी आवाज़ सही से क्लियर नहीं आ रही है, तो सब बेकार है। तो अपनी ऑडियो क्वालिटी कैसे सुधार सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी ऑडियो के रिगार्डिंग भी। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप एक अच्छे कैमरा सेटअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक अच्छे माइक में भी ज़रूर इन्वेस्ट करें, बिकॉज माइक रियलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एडिटिंग, ये मेरा फेवरेट पार्ट है, बिकॉज मुझे एडिटिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं अपनी वीडियो को अच्छे से एडिट करना पसंद करता हूँ दिल लगा के। एडिटिंग से आप अपनी वीडियो को इंटरेस्टिंग बना सकते हो, और भी इसमें एडिशनल करके, टेक्स्ट प्रोवाइड करके, ऑडियो इफेक्ट कर डाल के या फिर विजुअल्स के साथ कुछ भी खेलकर आप अपनी वीडियो को और इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट कर सकते हो। एडिटिंग अपने अपने बहुत बड़ा टॉपिक है, और मैंने सोचा है कि इसके रिगार्डिंग मैं और भी ऐसी वीडियोज़ लाऊंगा जिससे मैं जो अपने वीडियोज़ में इफेक्ट यूज़ करता हूँ और क्रिएट करता हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। बट अभी के लिए आप इतना समझो कि एडिटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप फ़ोन में कर रहे हो या पीसी में करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट एडिटिंग पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, बिकॉज इस पॉइंट के बिना आप वीडियो को शूट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मीन्स सोच सकते हो, आप कर सकते हो, बट अगर आपको ये पॉइंट नहीं क्लियर है, आपको इसकी नॉलेज नहीं है, तो आपकी वीडियो कभी भी प्रोफेशनल लेवल की फील प्रोवाइड ही नहीं कर सकती, यहाँ तक कि आप प्रोफेशनल लेवल पे शूट नहीं कर सकते इस रूल के बिना या इस पॉइंट के बिना, बिकॉज मैं पॉइंट में बात कर रहा हूँ। तो ये होता है 150 डिग्री रूल वीडियोस का। टूल में आपकी सेटअप स्पीड आपके फ्रेम रेट से डबल होती है, बट वो 1:1 में होती है। मीन्स अगर मैं 50 FPS पे शूट कर रहा हूँ तो आपकी सेटअप स्पीड 1:100 या 120 के आसपास होनी चाहिए अराउंड। अब ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न है नेचुरल मोशन ब्लर। जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ उसका FPS 25 है और इसमें मेरी सेटअप स्पीड 1:60 है, मतलब मैं 60 और 50 के अप्रोक्स रख सकता हूँ। बट अगर मैं इससे ऊपर जाऊँगा 100 से ऊपर चला जाऊँगा 1:1 में सब कुछ, तो इसमें मेरा मोशन ब्लर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो नेचुरल मोशन ब्लर होता है वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता, और वीडियो में अगर आपके नेचुरल मोशन ब्लर नहीं होगा तो वो वीडियो नेचुरल नहीं फील आती है। आप हर जगह इस रूल का यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसी कई सिचुएशंस आती हैं, कई ऐसे शॉट्स होते हैं जो नेचुरल मोशन ब्लर के साथ नहीं जाते। अगर आप स्लो मोशन वीडियोस को शूट करते हैं तो वहाँ पर आप नेचुरल मोशन ब्लर को कंसीडर नहीं करेंगे, आपको शटर स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, बट मोस्टली अगर आप भी यूट्यूब पर मेरी तरह वीडियोज़ बनाते हैं तो आपको बिल्कुल नीड है मोशन ब्लर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिन दोस्तों को फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में इंटरेस्ट है, और अगर आपको वीडियो कोई पार्ट समझ नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके रिगार्डिंग पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा इस पॉइंट पे, ताकि मैं अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर पाऊँ। बाय।